दोस्तों, अगर आपने SBI का नया अकाउंट ओपन करवाया है या फिर अपनी चेकबुक अप्लाई करी है तो दोस्तों आपको थोड़े ही दिनों में यानी कि 5 से 7 दिनों के अंदर इस प्रकार का फोल्डर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको अपनी चेकबुक सेफली बिल्कुल सेफ तरीके से आपको इसमें देखने को मिलती है। ये फोल्डर 5 से 7 दिनों के अंदर आपके घर डिस्पैच हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार की चेकबुक आई है, कितने पेजेस की है और क्या इसके अंदर यूजर मैनुअल लिखा हुआ है, तो वो आपको इसके अंदर दिखा देते हैं। तो सिंपली सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इधर से इसको यहां से टियर करना है, यानी कि यहां से इसको फाड़ना है। ये फाड़ने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपको बहुत सारे पेपर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसको आपको सेफली निकाल लेना है ताकि आपकी चेकबुक डैमेज ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपनी चेकबुक देखने को मिलती है, जिसके अंदर अपना रिगार्ड्स SBI का जो एक लोगो वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड सहित कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो SBI की तरफ से जो अपना लेटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर पूरा ATM की सुविधा और अपने चेकबुक ब्रांच की जो जानकारी है वो कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और चेकबुक के तौर पर आपको यहाँ पे अपना यूजर मैनुअल है और यहाँ पे अपने सर्विस सेंटर का नंबर है और जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को इस लेटर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वो मिलने के बाद सिंपली दूसरी जो चीज़ है आपको यहाँ पे अपनी SBI की चेकबुक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे पेजेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट पेजेस है जहाँ पे आपको अपने जो अकाउंट नंबर है वो देखने को मिलते हैं और यहाँ पे अपने चेकबुक के नंबर है, यानी कि देखिए दोस्तों 31 से आप यहाँ पे देख सकते हो कितने यहाँ पे चेक्स वगैरह है इसके अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से 8 यहाँ पे चेकबुक है, यानी कि इसके अंदर 8 चेक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपनी चेकबुक देखने को मिलती है, जहाँ पे जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और यहाँ पे अब जो अपने ट्रैकिंग नंबर है यानी कि अपने जो इंडिया पोस्ट के ट्रैक नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अपना नया अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर अपनी चेकबुक अप्लाई करते हो तो 5 से 7 दिनों के अंदर इस प्रकार का जो किट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ये SBI का लेटर और अपनी चेकबुक है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस और जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।